कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज भी हम घर में पड़े हुए हैं, मतलब मुजफ्फरनगर आज हम नहीं जा पाए, मगर इंशाल्लाह इसी ब्लॉग के अंदर हम निकलेंगे कल को मुजफ्फरनगर के लिए। बने रहिए हमारे साथ। ब्लॉग शुरू हो चुका है, शाम के बज रहे हैं 4 और दिन है आज थर्सडे का, यानी कि जुम्मे रात का। तो गाइस, निकलना तो हमें आज था मुजफ्फरनगर के लिए, मगर हमारा थोड़ा सा मामला ऐसा हो गया कि हम सामान जो कल हमने ख़रीदा था, कल वाले ब्लॉग में शायद मैंने बताया भी था आप लोगों को कि जो हमने हानिया की थोड़ी सी ड्रेस वगैरह ली थी, वो हम गलती से एक दुकानदार के पास भूल आए, आज लेकर आए हैं उसके पास से जाके। खैर, अभी वो सामान सब हमारे पास आ चुका है, तैयार है, बैग वगैरह सब तैयार है। इसी ब्लॉग के अंदर इंशाल्लाह मुजफ्फरनगर के लिए हम लोग निकल जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ आप लोग, और अपना प्यार दिखाते रहिए हमेशा की तरह जैसा आप लोग दिखाते हैं। गाइस, कहीं जाने का मतलब ये नहीं है कि मतलब अपने ब्लॉग हम मतलब वहाँ पे जाके ना बनाएं, मकसद यही है कि अभी मुजफ्फरनगर जा रहे हैं तो वहाँ के भी ब्लॉग आपको मुस्तकिल देंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो गाइस, यहाँ पे चल रही है पैकिंग। बस हमने एक बैग बनाया, ये वाला, ये देखिए एक बैग बनाया, अपना सारा सामान उसी के अंदर रख लिया। थोड़े से बस खाने के कपड़े ज़्यादा ले जाने पड़ रहे हैं, क्योंकि ये बच्ची बहुत परेशान करती है, कपड़े बदलती है बार बार। मेरा बच्चा, मेरी गुड़िया, अभी कर देते हैं इसकी चेन पर। तो भाई, बाद में आने का तो सारा रखा गया ना, और तो कुछ नहीं है, अभी भी जगह है इसके अंदर थोड़ी सी, और रखना है तो। तो गाइस, यहाँ पे ये रानी बच्चा जो है ना, प्यारा सा, ये हमारे सामान के अंदर घुस रहा है। भाई, आप लोग अगर ध्यान हो तो मैं कैमरा लेकर आया था ये वाला, और इसका बॉक्स इसने हानिया ने फाड़ दिया सब, ये देखिए। और मेरा यहाँ पे हेलमेट रखा हुआ है, अभी इसके अंदर यहाँ पे लगाएंगे कैमरे का सेटअप पूरा, ताकि आपको रास्ते की वीडियो सही से दे पाएँ। तो ठीक है गाइस, ये सब सामान अभी हानिया ने, हमारी रानी ने फैला दिया है। हाँ भी बच्चों, ध्यान से रहोगे ना, हम जा रहे हैं कल निकल जाएंगे मुजफ्फरनगर, ध्यान से रहोगे हमारे पीछे। तो गाइस, रैयान और जोहान नहीं जा रहे हैं, नहीं, हानिया को तो भाई लेके जाएंगे, हानिया की तो ज़्यादा डिमांड है वहाँ पर, याद आएगी बेटा, 2-3 दिन की बात है, 2-3 दिन के बाद तो हम आपसे आ ही जाएंगे। तो भाई, रैयान और जोहान गाइस ये रहेंगे, क्योंकि इनकी पढ़ाई का चक्कर है, तो अभी इनको नहीं ले जा सकते, प्यार से रहना। हानिया, हानिया, हानिया तो जा रही है भाई सुबह को, है ना, बाय बाय कर दो सबको, बाय बाय, बाय बाय, कहना मैं तो जा रही हूँ सुबह को मुजफ्फरनगर, मिलूंगी अब पहुँच के। तो गाइज, यहाँ पे आज मेरे बालों के अंदर लगने जा रहा है गोले का तेल, तकरीबन 1-1.5 साल के बाद। जी हाँ, मतलब मुझे तेल लगाना सर पे पसंद नहीं है, मगर आज फातिमा ने कहा कि भाई सुबह को शैम्पू करके चलना, आज वही तेल लगने जा रहा है जो हमने कल वाले ब्लॉग में दिखाया था आप लोगों को। तो फातिमा, ये तेल बता दो, हमारे 2-3 सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने हमसे मालूम करा कि भाई इस तेल के अंदर फातिमा मैडम क्या क्या मिलाती हैं। फातिमा मैडम तो नहीं कहता, खैर। तो गाइज, वैसे ये तेल बहुत अच्छा है, हानिया के भी लगाना शुरू करा मैंने। वैसे ये नारियल का तेल है, अच्छा, गोले का, गोले का तेल है। तो हानिया के बाल भी नहीं बढ़ रहे थे, तो मैंने हानिया के लगाना शुरू किया, तो माशाल्लाह से अब हानिया की 2 पोली बनने लगी। अभी बढ़े हैं इसके, मतलब 10-15 दिन के अंदर अंदर जी। हाँ, मतलब उससे पहले मुंबई तक में भी, हाँ, मुंबई तक में भी इसके बाल नहीं थे, बाल नहीं थे। तो आप गोले का तेल लें, और उसमें 2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच कलौंजी, और एलोवेरा जेल, कड़ी पत्ता, अच्छा, ये सब चीजें आप तेल में पका लो अच्छे से, मतलब काली काली हो जाए। मतलब तेल कितना लें ये तो बताओ। तेल एक वो आता है ना, मतलब कोकोनट ऑयल, वही लेना जो कोकोनट, पैराशूट का जो डब्बा आता है, और अगर कोलू से भाई ताजा मिल जाए तो ज्यादा अच्छी बात है, क्या, अच्छा, अच्छा। ताजा मिल जाए तो, हाँ, वो तो फिर ओरिजिनल ही हो जाएगा, ओरिजिनल ही हो जाता। तो उसको सब चीजों को आप अच्छे से खूब पका के, और फिर या तो ऐसे ही पलट लो, मैंने तो ऐसे ही पलट रखा है, इसमें कलौंजी भी है। हाँ, मतलब फातिमा ने छाना नहीं है ना, छाना नहीं है, वो चीज अभी भी इसके अंदर पड़ी हुई है, इसके अंदर है, ये रही सब चीजें, ये रही नीचे सब चीजें इसके अंदर पड़ी हुई है, सब चीजें पड़ी हुई है, जला ली थी मैंने अच्छे से। तो आप लोग भी ऐसे ही बना लीजिए, बहुत अच्छा तेल है, मगर हाँ, ये पक्का है कि भाई बाल की जो ग्रोथ है ना, और अगर आप चाहें तो इसमें प्याज को कद्दूकस करके और उसका जूस निकाल के ऐसे, और वो भी आप मिला सकते हैं, और थोड़ी सी हरी मिर्ची भी डालने से, हाँ, ना, हरी मिर्ची, हरा धनिया, तो हो गया भाई। उससे प्याज का जो जूस होता है ना, उससे ग्रोथ भी होती है बालों। हाँ, तो भाई गाइस, हमारे 2-3 सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मालूम करा था, तो हमने बता दिया है आप लोग घर में। इससे पहले जब बनाया था ना, तो मैंने आंवला को कद्दूकस करके आंवला भी पकाया था मैंने तेल में। तो अब कौन सा बनाया, आंवले का बनाया, बिना आंवले का नहीं, अब तो आपकी मर्जी है, आंवला डालना चाहे डालना चाहे तो इसमें डाल सकते हैं। मतलब फायदेमंद होता है आंवला तो। यहाँ पे मतलब पूरी चंपी चल रही है, और इंशाल्लाह कल सुबह हम फिर से निकलेंगे रवान की बारात लेके, आज तो फिर हम जा नहीं पाए, मगर इंशाल्लाह कल सुबह जरूर निकलेंगे। कल सुबह गए इसी ब्लॉग में मिल जाएगा आप लोगों को देखने के लिए, और बस दुआ करिएगा हमारे के लिए, हम साथ खैरियत से जाएं, साथ खैरियत से वापसी आए। मगर गाइज, एक बात देखिए, मैं हर दफ़ा ऐसी मजाक करता हूँ, मगर एक बात सीरियस होकर भी मैं बोल रहा हूँ आपसे, कि तेल वाकई में बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैंने खुद देखा कि हानिया के बाल छोटे बहुत छोटे कम बढ़ रहे थे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे थे,
और अभी फातिमा को मेरा 15 दिन हो गए फातिमा, है ना? हाँ, 15 दिन हो गए फातिमा को लगाते हुए ये वाला तेल हानिया के सर पे। तो माशाल्लाह से अभी 2-3-4 पोनी हानिया के बननी शुरू हो गई। और ये देखिए अभी बेटी भी हमारी ना बातें सुननी है, बड़े प्यार से दिखाता हूँ अभी आपको। ये रही हानिया, 2 पोनी वाली हकीम जी की साली। और गाइस ये देखिए, और गाइस अच्छे से मालिश करना, मतलब अपने भी लगाओ तो। हाँ, और भाई बच्चों के। अच्छा, ये मैं लगाता नहीं हूँ तेल, मगर ये तो भाई कलौंजी डली हुई, कलौंजी तो बहुत फायदेमंद होती है। The next day. तो भाई सुबह के बज रहे 6:30 और सबको अस्सलाम वालेकुम, कैसे भाई आप लोग। हम लोग निकल चुके हैं मुजफ्फरनगर के लिए। तो ये बैठी हमारी फातिमा और ये बैठी हानिया। हम लोग रुके हैं यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता वगैरह करने के लिए। और यहाँ की मतलब व्यू देखिए आप कितना प्यारा है। पगड़ी वाला के नाम से है ये देखिए कितनी प्यारी जगह है भाई। मज़ा आ गया भाई फातिमा, है हानिया का बर्थडे। तो गाइस अभी हम लेंगे यहाँ पे आलू पराठा और चाय। बोला मली हानिया पॉलिसी हानिया भाई हानिया हानिया कर रही। हेलो कर दो सबको, हेलो। गाइस यहाँ पे हमारी कुल्लड़ वाली चाय और ये है आलू का और प्याज का पराठा अचार के साथ। तो भाई सुबह सुबह का नाश्ता जो है ना आज हम लोग कर रहे हैं ढाबे पे, और बहुत बढ़िया वाला ढाबा बना हुआ है भाई ये मेरठ रोड पे, मेरठ मुजफ्फरनगर वाले रोड पे। कैसा लग रहा फातिमा? बहुत बढ़िया लग रहा, मज़ा आ गया भाई। चलो करो शुरुआत नाश्ता, तो बाहर का करने में बड़ा मज़ा सुबह सुबह भाई। और गाइस हमने साथ में मंगाए यहाँ पे पनीर के पकोड़े हरी चटनी और लाल चटनी के साथ, मतलब देखने में इतने जायकेदार लग रहे हैं भाई ये। और यहाँ पे हैप्पी बर्थडे का मतलब इन्होंने ये पोर्शन बना रखा है, बहुत बढ़िया है। हाँ अच्छे लग रहे हैं देखने में बहुत। इनके पकोड़े जो है ना ये पनीर के मतलब इतने सॉफ्ट और इतने मुलायम है, एक ही बात हो गई। थोड़ा निकलने में लेट होगा, और अगर हम 5 बजे निकल जाते हैं ना, हाँ, तो फिर तो सूरज निकलते निकलते नाश्ता करते मज़ा आता। इरादा गाइस ये था कि हमें ना फजर की नमाज़ पढ़ के फिर निकलेंगे। नमाज़ तो पढ़ी मगर मस्जिद में नहीं पढ़ पाए, मैं मस्जिद में नहीं जा पाया और नमाज़ पढ़ के निकले वहाँ से। मगर दिन थोड़ा सा निकल चुका था, तकरीबन 6:30 बज चुके थे जब हम निकले घर से। तो अभी टाइम है 8 बजने वाले, बस यहाँ से मुजफ्फरनगर जो है मुजफ्फरनगर जो है यहाँ से तकरीबन ऐसे रहेगा 55-60। रास्ते का पता नहीं चला भाई। भाई आप कभी आए ना इस रोड पे, यहाँ जरूर आए भाई। मेरठ मुजफ्फरनगर के हाईवे पे पड़ेगा आपको, और मतलब लेफ्ट हैंड में मेरठ का रास्ता कट जाता है, राइट से जो हम पुल चढ़ेंगे ना, पुल उतरने के बाद थोड़ा सा आगे चल गए बस ये, अगर आप लोग मुजफ्फरनगर सहारनपुर जा रहे हैं तो। सेटअप बहुत साफ सुथरा है, नहीं ये रास्ता देहरादून मसूरी वो देहरादून ऋषिकेश हरिद्वार सब जगह निकलता है ये रास्ता। मगर ये ढाबे तो बहुत सारे हैं, बीच में भी और पड़ेंगे, मगर ये कि हम जहाँ रुके ना ये बढ़िया है। तो अभी हम अपने वाइफ से ना साथ लेके चलते हैं इसी वजह से, क्योंकि अभी हाथ धोने की जगह नहीं थी, मगर हमने इससे अपने हाथ पास सब साफ़ कर दिए। ये हानिया का पानी
बॉईल हुआ है ना, चीनी नमक। तो भाई यहाँ पे पेट पूजा पूरी हो चुकी है हमारी, मगर अभी मैंने अपने लिए एक चाय और मंगाई है भाई। पेट पूजा मुझे सबर से नहीं आया चाय के, ठंडी हो गई थी, ठंडी हो गई थी पराठा वगैरह खाने के चक्कर में ना, मुझे भी दे देना थोड़ी सी। चलो मैं रो क्यों रही हूँ, दे दूंगा ना, मैं रो के बनवाऊंगा यार। हाँ नहीं गिर जाओगी आप, कहाँ जा रहे हैं? चश्मा देखो कहाँ फेंका। हाँ नहीं के जा रहे हैं, के अरे हेलमेट भी है गाड़ी पे नहीं देख रही हूँ मैं, ये मैंने कभी हेलमेट ले जाए निकल गया। अनु नो ओह गिर जाओगी आप, चोट लग जाएगी आपके। ये चाय और बोलिए, यहाँ बोलिए, मैंने बोल दी। ओए होए 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 बिल दिया। तो गाइस यहाँ पे हमारा बिल आ चुका है 1780 रुपये का, एक पराठा और एक ब्रेड पनीर का 1780 रुपये का बिल। 1780 का फातिमा, गाड़ी यहीं गिरवी छोड़ के जानी पड़ेगी, अब कैसे करोगी? यहाँ से बस पकड़ो और चलो मुजफ्फरनगर, बसें जा रही हैं बहुत सारी। हमारी गाड़ी में 1700 रुपये नहीं, 1700 गिरी है, मतलब गाड़ी बुक कर लेंगे, जब 1700 लाओगे जब दे देंगे ये गाड़ी तुम्हें वापसी। मम्मा मेरा बच्चा कलेजा। तो गाइस बोलते हैं ना कि मतलब कहीं पर नई जगह पे जाओ तो नया एक्सपीरियंस ज़रूर मिलता है आपको। तो भाई ये देखिए, मतलब इन लोगों ने यहाँ पे टेप लगा रखी है, आजकल ये भूंगे वगैरह आ रहे हैं ना बहुत, तो जगह जगह पे इन होटल वालों ने ये टेप लगा रखी है, और यहाँ पे जैसे ये बैठते हैं ना एकदम से चिपक जाते हैं। ये जुगाड़ बढ़िया लगा भाई, इंडियन जुगाड़ है, बढ़िया जुगाड़। ये देखिए कितने सारे हैं, जैसे ये बैठ रहे हैं ना अब ये मर गए यहाँ पे चिपक के। सुबह के 9:30 बज रहे हैं और धूप में इतनी तेज़ी हो चुकी है, इस वजह से हम लोग है ना गाड़ी कहीं रोक नहीं रहे, बस एक ही ढाबे पे रुके थे अभी आपके पीछे। और हानिया रानी पी रही है यहाँ पे पानी। तो ठीक है भाई, यहाँ से ले गया मुजफ्फरनगर 23 किलोमीटर, बस आधे पौन घंटे में इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे वहाँ पे, वहाँ पहुँच के मिलते हैं फिर आपसे। बहुत हसीन मंजर है भाई, भागे जा रहे हैं अपनी मंजिल की तरफ, मुजफ्फरनगर ले गया यहाँ से 20 किलोमीटर बस। तो गाइस यहाँ पे ये देखिए कैंपटी फॉल, ये कैंपटी फॉल है मुजफ्फरनगर का। तो जी गाइस सोच गए हम लोग मुजफ्फरनगर, चलो आ गए। हमने बोला आधे घंटे में आ रहे हम।
भाई बिल्कुल परेशान नहीं करा इसने, मगर बहुत परेशान करा। हाँ जी सचिन आ गए हम गुप्ता जी के पास, देर हाँ देर लगी आने में तुमको, हाँ शुक्र है तुम आए तो आए तो हाँ भाई बहुत दिनों से प्रोग्राम बनना था और चले जा रहा था, मगर आज पहुँच ही गए फाइनल मुजफ्फरनगर। आनिया कहाँ गई आप हैं भाई? आमनवर सात के पास। तो भाई ये हमारी शगुफ्ता जी के दोनों बच्चे हैं। फ्राइडे है दोनों। किसको? नहीं ट्यूशन ट्यूशन और वो तो जाना है ना उन्हें। तो भाई यहाँ पे पानी पी लेते हैं, ठंडा 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 है ना, ठंडा लेकर आई। डबल बेड भी है, सब कुछ है भाई। अरे वॉशिंग मशीन भी है, वॉशिंग मशीन, बाल्टी, ए सी का लगा हुआ है। ओहो फ्रिज, ओवन, वाह भाई वाह। ए सी कहाँ लगा हुआ है शगुफ्ता जी? कहाँ पर है, कितना किधर को है रूम, कहाँ को है? ओहो हो रहा, अरे वो लगा हुआ सामने दिखता रहा है। अच्छा ये गुड़िया सो रही है। अच्छा ये प्रेस भी रखी हुई है कबड़ के ऊपर। ओहो पूरा इंतजाम है भाई यहाँ पे। तो गाइज ये देखो सोफा भी है, सोफा भी लगा हुआ है, टेबल भी है बीच में, कुशन वगैरह सब है, ये किचन का सामान। वाह भाई वाह, सामने शीशा लगा हुआ है। अच्छा ये डस्टबिन भी है यहाँ पे, किचन का। वाह भाई वाह, तो भैया पूरी गृहस्थी तैयार है इस लड़की की। कब जा रही हो शादी हो गए? जैस तो आ गया तुम्हारे मियाँ का ये सारा, बस ये शादी हो गई जाने वाली है थोड़े दिन में। नहीं 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 जाओगी क्यों? तो गाइस अभी बज रहे हैं 12:15 दोपहर के, और हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे नाश्ता करने, नाश्ता नहीं खाना। हाँ हाँ लगा लो, तो घर की बात है, कोई बात नहीं। और भैया साथ मियाँ ये हैं शगुफ्ता जी के बेटे साहब, घड़ी वड़ी पहन के बैठे हुए हैं, लड़की वाले आए हैं इनको देखने आज। ये तो शर्मा रहे हो, क्या बात हो गई, कुछ बोल दो, कुछ सलाम कर दो हमारे व्यूअर्स को जोर से। नाम बताओ अपना। साद। साद अहमद। फिर मोहम्मद साद। मोहम्मद साद, अच्छा। तो भाई गाइस ये 5 टाइम का नमाजी है माशाल्लाह से, वैसे तो अभी पैंट शर्ट में है ये। अच्छा नमाज चल रही है नहीं चल रही है बताओ पहले, है नमाज चल रही है? छोड़ दी छोड़ दी। अरे यार ये तो बेइज्जती करवा दी यार तुमने, यार हम तो समझे तुम नमाजी हो हमारी तरह। ये लो नमाज छोड़ दी। तो गाइस यहाँ पेट तो हमारा भरा हुआ है, मगर शगुफ्ता जी ने ना यहाँ पे पूरी सालन बना रखा है भाई, ज़बरदस्त वाला। ये देखिए फातिमा खा रही है पहले तो, हैं और हलवा भी है, खोलना फातिमा। इसके अंदर बनाया है शगुफ्ता जी ने हलवा, और ये बनाए पापे, और ये दही बूंदी बनाई है। पापे पापे नहीं बनाए, अच्छा पापे, अच्छा पापे नहीं बनाए, मैंने खाली हलवा और ये बनाए, और ये है भाई पूरियाँ। तो यहाँ चल रहा है नाश्ता हमारा, नाश्ता कर लेते हैं उसके बाद करेंगे नमाज की तैयारी। टाइम हो चुका है 12:25। तो बच्चों आ जाओ भाई, फिर नाश्ता करो पहले, फिर मैं नमाज़ पढ़ाऊँगा सबको। जा नमाज यहीं बिछाएंगे आज घर में, ठीक है? आ जाओ फटाफट। हैं रैयान में जाओगे? अच्छा रैयान मस्जिद है यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ मैं रैयान में जाऊँगा। तो भाई गाइस यहाँ पे शगुफ्ता जी हमारे लिए बना रही है गर्मा गर्म पूरी, और ये नई फूली हैं, और ये नई फूली थोड़ी सी फूली, कोई बात नहीं, मगर पेट भर गया भाई माशाल्लाह से, इतना खा लिया शगुफ्ता जी। अब तुम 3-4 दिन नहीं भी दोगी ना तो चल जाएगा, इतना पेट भर गया हमारा, फुल खा लिया हमने, पूरी पूरी खाई है ना, पूरी आधी खाते तो कम पेट भरता। फिर फातिमा तुमने एक नहीं खाई, 6 खाई हैं, झूठ मत बोला करो। हाँ मैं गिनना था बेटा भाई, एक बता रही है खा खू के 6। तो चलिए भी गाइस यहाँ से नाश्ता उठवा देते हैं अभी, पेट फुल। चलो बेटा बस करो, बस हो गया हैं, और खाओगी अभी? नहीं नहीं खा लो, अरे तुम तो शर्मा रही हो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। खा लो लो और खा लो, लो ये वाली भी खाओ, ये भी खाओ, लो इस पर पापे रख लो, ये लो खाओ खाओ, अरे खा लो, इतनी कमज़ोर सी हो तुम तो, खा लो मरियम खा लो तुम भी। तो भाई ये बच्ची जो है ये शगुफ्ताबाजी की जो जिठानी है उनकी बेटी है, सबसे बड़ी हो सबसे छोटी हो? सबसे छोटी। अच्छा 2 भाई 1 बहन, अच्छा। आप लोग भी नाश्ता कर लीजिए भैया, आते तो है नहीं, बस सुनते ही सुनते हैं हमारे जो गाइज हैं। हाँ पहले हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ना फोक चल रहा था, आजकल गाइज गाइज चल रहा है हिंदुस्तान में। हाँ वो लगी हुई है हाने लगी हुई, चक्कर में किसमें से बिगाड़ूँ क्या मैं? हाँ इसकी कुलबुली हो रही है अभी, कुलबुली हाथों में। ये देखो ये बिगाड़ा
ये उठाया बर्तन नहीं। क्या उठाया आपने? हाँ ओहो फातिमा यहाँ तो झूला भी है दुल्हन के लिए, वो दुल्हन के लिए गुड़िया के लिए। तो गाइस शाम के बज चुके हैं 7:15 और अभी मतलब मस्त नींद ली हम सब ने, बहुत बढ़िया वाली नींद लेके उठ के दोबारा से हाजिर हैं। असल में शगुप्ता जी ने इतना सारा मेरा तो हमने रास्ते में खाया कुछ, वो चटपटा सा हो गया था, फिर यहाँ पर आके पूरी छोले तो हमने फिर वो खाए यहाँ पर आके, और पेट जो था ना हमारा फुल हो गया। फातिमा सुमंत भाई मेरी बात के ऊपर चुपके चुपके ऐसे यहाँ बैठी हुई, और अभी शगुप्ता जी से हम मना करेंगे, शगुप्ता जी खाना हमें नहीं खाना, और ये बना रही है बिरयानी वो भी चावलों की। तो भाई अभी देखते हैं अगर हैं चावलों की होती बिरयानी तो देखते हैं गाइस, अगर भूख लगी तो खाएंगे थोड़ा बहुत, वरना भी कल दोपहर में चलाएंगे बिरयानी से काम। शगुप्ता बाजी ने असल में पूरी बनाई थी और हमने पूरी है ना पूरी खाई, इस वजह से पेट बिल्कुल फुल भरा हुआ है अभी हमारा। हाँ पूरी आधी खानी चाहिए थी हानिया, और गाइस यहाँ पे हमारी हानिया रानी भी बिल्कुल तैयार है, नहा दोगे? हेलो कर दो सबको, हेलो हेलो कर दो, हेलो कर रही है। तो ठीक है भाई अभी हमारे दूल्हा भाई जो है हमारे भनोई साहब वो भी आए नहीं है, हमारे भनोई साहब आने वाले हैं अभी हॉस्पिटल से, और आपको पता है कि वो हड्डी के हॉस्पिटल के अंदर है, मतलब माशाल्लाह से सारी हड्डी जुड़वाते हैं वो पेशेंट की, चाहे जबान की हड्डी हो मतलब कैसी भी हड्डी हो, जबान में हड्डी नहीं होती वो यार, मुझे मालूम नहीं था। तो ठीक है गाइस अभी बंद करते हैं इस व्लॉग को यहीं पर ही, इस उम्मीद से कि शायद आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, ओके अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो भाई साहब, अल्लाह हाफि।